एक वीडियो दिखाऊंगा, उसको ध्यान से देखना। उसमें ये दावा किया जा रहा है माता की मूर्ति के ऊपर कुछ पंडित लोग हल्दी डाल रहे हैं तो माता की मूर्ति अपनी आंखें बंद कर ले रही है। पहले इस वीडियो को ध्यान से देखना। देखा आपने, माता आंखें बंद नहीं कर रही, साफ दिख रहा है कि हल्दी के रंग से माता की आंखें ढक जा रही हैं, जिससे वो ऐसा लग रहा है कि बंद है। तो यार इतना अंधविश्वास फैला के कहाँ जाएंगे लोग, क्या करना चाह रहे हैं? आज तक तो ये लोग हमारे को लूटते आए हैं, ना हमें गीता पढ़ाई ना वेद पढ़ाए, सिर्फ उनकी फोटो दिखा के या उनको फिजिकली रूप में किताब दिखा के किताब को भिजवा रहे हैं, उसके अंदर जो लिखा है वो नहीं पढ़वा रहे हैं। तो अब कितना बेवकूफ़ बनाएंगे लोग हमारे को। तो भाइयों मेरी रिक्वेस्ट है, ऐसे किसी अंधविश्वास पे ध्यान ना दे जो भगवान है। भगवान अपना काम करता है, भगवान चमत्कार भी करता है, मगर यहाँ तो साफ तौर से दिख रहा है कि भगवान की मर्जी के बिना ये सब हो रहा है। ये पंडित लोग अपने फायदे के लिए इस तरह से प्रदर्शित करते हैं, इस तरह से हमको बहलाते हैं, फुसलाते हैं, ऐसा कुछ दिखाते हैं कि हम लोग तो श्रद्धालु हैं, हम तो आराम से भगवान की खोज में लगे हुए हैं, हम तो ये मानेंगे जो भगवान जो पंडित लोग कहेंगे कि हाँ ऐसा हो रहा है हम तो मान लेंगे। मगर अंधविश्वास से बिल्कुल बच के रहें। भगवान है, दुनिया में भगवान एग्जिस्ट करता है, मगर अंधविश्वास और भगवान में बहुत बड़ा अंतर है। तो दोस्तों इस वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, और अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब कर देना। और किसी भी अंधविश्वास में पढ़ने से पहले 100 बार सोचना, अपने धार्मिक ग्रंथ उठा के पढ़ लेना उनमें क्या लिखा है।